हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले, जो कि काफी पसंद किए जाते हैं। या घर में कोई फंक्शन हो, या त्योहार हो, या फिर शादी हो, अगर दही बल्ले ना हो तो खाने का मजा अधूरा रहता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसे दही बल्ले। अगर आपको मेरी दही बल्ले की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। आइए चलिए देख लेते हैं हमें उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। यानी उसके लिए ये देखिए, मैंने मूंग की दाल भिगो के रखी थी, यानी ओवरनाइट मैंने भिगो के रखी थी। ये धुली हुई मूंग की दाल है। अब मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। पेस्ट हमें बिल्कुल बारीक बनाना है, तो मैं इसमें जार में डाल के पेस्ट बना लूंगी। आप पानी यूज ना करें बिल्कुल भी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जार ले लिया है और जार के अंदर मैंने दाल डाल दी है। और दाल मैंने 250 ग्राम ली थी, तो मैंने इसको भिगो दिया था। तो अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसका पेस्ट बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, दाल हमारी पिस चुकी है, यानी कितनी बारीक और कितनी अच्छी पिसी हुई है। तो अब मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, दाल मैंने बाउल में निकाल ली है। तो अब मैं इसके अंदर ये एक छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, और ये मैंने 2 पिंच हींग ली थी जो मैंने पानी में भिगो दी थी, और ये डाल रही हूँ मैं। और इनको अब अच्छे से मिक्स करके इसको फेटूंगी, पर फेटना आपको एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से। ये देखिए, फ्रेंड्स ये देखिए, एक ही डायरेक्शन में फेटे। यानी फेटने से क्या होगा कि आपके जो बड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरीके से आप 5 मिनट फेट लें। ये देखिए, ये मैंने इसको फेट लिया है। तो अब मैं इसको ढक के आधे घंटे के लिए रख दूंगी और फिर इसके बल्ले बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, आधे घंटा हो चुका है दाल को रखे हुए, तो मैं एक बार फिर इसको फेट लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, दाल फिट चुकी है। तो चलिए अब इसके बड़े तल लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर घी रख दिया था। ये मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। तो अब ये बड़े डाल के देखते हैं। तो पहले छोटा सा डाल के देखते हैं कि ऑयल गरम है या नहीं है। तो ये देखिए, ऑयल हमारा गरम है। तो इसी तरीके से मैं ये बड़े डालना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से डाल सकते हैं, हाथ से या फिर आप चम्मच से, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो देखिए मैं हाथ से डाल रही हूँ, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं रखना। फ्रेंड्स ये देखिए, आप इसको पलट पलट के मीडियम फ्लेम पे ही सेकें, यानी इनको 5 से 7 मिनट लगते हैं और ये सिक जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, बड़े हमारे सिक चुके हैं। तो मैं इस तरीके से इनको निकाल लेती हूँ। प्लेट में मैंने पहले से ही टिश्यू पेपर लगा के रख रखा है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसके अंदर निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने सारे निकाल लिए, और इसी तरीके से मैं अपना आप दूसरा बैच सेकूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो अब मैं इनको धीरे धीरे इस तरीके से पलट दूंगी, और मैं गर्म पानी रख लेती हूँ, क्योंकि वड़ों को भिगोने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो एक तरफ मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, वड़े हमारे सिक चुके हैं। तो मैं इस तरीके से इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, और गैस मैं बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको तल लिए हैं। तो अब मैं इनको गर्म पानी में भिगो के रख दूंगी। तो ये मैंने गर्म पानी कर रखा था, तो इस तरीके से मैं ये वड़े डाल दूंगी इसके अंदर, और इनको केवल 5 मिनट के लिए भिगो दूंगी कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं।
फ्रेंड्स ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने पानी में से निकाल के इनको प्लेट में रख लिया, यानी इनको निचोड़ लिया है। अब इनके ऊपर मैं दही डालूंगी। दही मैंने फिटा हुआ लिया है, इसको मैंने फेंट लिया था, तो आप खूब सारा दही डालें तो ये टेस्टी लगेंगी इस तरीके से। फ्रेंड्स ये देखिए दही मैंने डाल दिया है, तो अब ये मैं हरे धनिया की चटनी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स आप इसकी वीडियो आई बटन पे देख सकते हैं। अब ये मैं मीठी चटनी डाल रही हूँ और इसकी वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये चटनी डाल दी है। फ्रेंड्स अब देखिए मैं इसके ऊपर नमक डाल रही हूँ, तो नमक मैंने चुटकी भर डाला है, यानी एक पिंच, और एक पिंच ये लाल मिर्ची, और ये एक पिंच भुना हुआ जीरा है, तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। अब ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने अनार के दाने लिए, तो इनको भी डाल रही हूँ, आप डालना चाहें तो डालें, आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए दही बल्ले बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और खाने में तो ये बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरे दही बल्ले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे।